हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और हम ये सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डेली 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा मैथ के, और उसका सॉल्यूशन आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड के साथ आपको बताऊँगा, ताकि आपके एग्जाम्स की जो तैयारी हो मैथ में काफ़ी अच्छे से हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सभी जो मैथ के क्वेश्चन होंगे आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें जितने भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके पेपर में जरूर कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा और आने की चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो मैं पढ़ के बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आपके सामने ये बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी, ठीक है। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता। तो हमें बताना है कुल छात्र कितने थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको हम कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। देखिए, बोला गया हमसे कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पास और ये फेल, ठीक है। पास और फेल जो है इनका जो रेशियो दिया गया है, पास होने वाले छात्रों का अनुपात जो है वो फेल होने वाले से 4 गुना था, चौगुनी थी, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, यानी कि अगर मान के चलिए कि 4:1:5 मैं लेकर चलता हूँ कि कुल इनका रेशियो कितना हो गया 5x, ठीक है, यानी कि 4x और ये 5x, कुल 35 कम होते, तो यानी कि कुल में से अगर मैं 35 को कम करता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा कैसे इसको करते हैं, 35 कम होते तो क्या बोला जा रहा है कि तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण हुए होते, 9 अधिक अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है फेल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर 9 अधिक अनुत्तीर्ण हुए होते तो इनका रेशियो क्या दिया गया, बोला जा रहा है कि इनका जो रेशियो हो जाता है क्या होता है कि 2:1 हो, यानी कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, यानी कि पास और फेल, इन दोनों का रेशियो दिया गया है। तो हम लोगों ने ऊपर में क्या लिखा है, ये ऊपर हम लोगों ने कुल लिखा है। अब जब आपका रेशियो 2:1 में होता है, ये पास और फेल का रेशियो हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने ऊपर में क्या लिखा है, ये टोटल लिखा है, तो टोटल हमें ऊपर में भी लिखना होगा 2:1:3, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, नीचे में हम लोगों ने लिखा है फेल, तो यहाँ पर हम लोग भी लिखेंगे फेल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, इसको आपको करना कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 5x और -35 हो जाएगा, और इसको अगर इस साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 27, ठीक है, 9 3 27। अब इसको क्या करना है कि आपको x के तरफ x ला दीजिए और बाकी जो -35 है उसको हम राइट साइड में भेजेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5x माइनस में 3x और राइट साइड में आपको हो जाएगा 27 प्लस 35, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2x की वैल्यू लिख सकते हैं 5 7 12 और 3 2 5 1 6, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो 31 के बराबर आ गई। अब हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया था कि टोटल कितने हैं, तो टोटल हमारे पास कितने थे स्टूडेंट, 4x और एक 5x, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, जो कि आपका 155 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से बनाना है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करूंगी आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचता है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक संख्या को 12 से भाग दे तो भी 7 शेष बचता है, 15 से भाग दे तो भी 10 शेष बचता है, और 16 से भाग दे तो 11 शेष बचता है। तो आप देख रहे हैं कि सभी कंडीशन में अगर रेशियो हम इनका डिफरेंसेस देखें, यानी कि अगर 12 और 7 का डिफरेंसेस देखें तो भी 5 आएगा, और इनका डिफरेंसेस देखें यानी कि अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 देखिए, यहाँ पर ही 5 और यहाँ पे भी आपका 5, यानी कि अगर 16 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आपका जो शेषफल बच रहा है 11, यानी कि सभी में 5 का शेषफल बच रहा है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो शुरुआत का डिजिट है जिससे भाग करने के लिए बोला गया था उसका हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी कि 12, 15 और 16 का एलसीएम लेंगे,
एलसीएम लेने के बाद, और ये जो पांच आ रहा है इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बस आपका वो संख्या निकल जाएगा। अब हम 12, 15, 16 का एलसीएम अगर लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, अब इसको अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 240, ठीक है, 240 एलसीएम आ जाएगा, और इसमें से अगर हम माइनस 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा 235, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से आपको सजाना है। सबसे पहले इस सजाने के लिए ये आपको देखना होगा कि 12 से भाग, यानी कि जो भी हम लोग जो डिवाइड करने के लिए बोला जाए और जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उनका डिफरेंस सेकंड वाले से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सेम हो रहा है तो हम लोग इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बोला गया है कि 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 तथा 5 के पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लिया, और देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें करना ये होता है कि अगर आप इस तरह से देखेंगे कि 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 तो 5 के पावर 24, इस तरह से देखने के बाद हमें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम लोग को पावर जो है वो सबका इक्वल करना होगा, ठीक है। पावर यानी कि सभी के पावर में सेम करना होगा, बेस चाहे कुछ भी वो पावर हमें सेम करना हो। तो हम पावर कैसे सेम करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 2 के पावर 60 को हम पिक करते हैं, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो सभी में 12 कॉमन हो जाता है, ठीक है। यानी कि 12 सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे 12 यानी कि सभी के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो ये 12 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसी को करें कि जो कि कॉमन फैक्टर आपका हो। तो यहाँ पे HCF अगर देखें तो सबसे बड़ा क्या होता है 12, यानी कि 12 25 60, 12 4 48, 12 3 36 और 12 2 24। तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी को 12 के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 60 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 12, ठीक है फ्रेंड्स, 12 25 60। तो अगर 2 के पावर 5 को तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, तो 2 के पावर 32 के पावर 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग सेकेंड ऑप लेते हैं जो कि 3 के पावर 48 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैंने बोला कि 12 के यानी कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसी के फॉर्म में तोड़ना है। तो 3 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 12 के फॉर्म में इसको तोड़ना है तो 12 4 48 होता है, तो 12 4 48, और 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 आपका होता है 81, तो 81 के पावर 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 32 के पावर 12 और 81 के पावर 12, अब अगर इन दोनों में हम लोग कंपेयरिंग करें तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये आपका संख्या बड़ा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम लोग चारों करेंगे। अब यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि 4 के पावर 36, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 4 के पावर 3 और गुने 12, ठीक है। तो 4 के पावर 3 कितना होता है, 4 के पावर 3 आप कहेंगे कि 64 होता है, और पावर में तो 12 है ही। अब देखिए फोर्थ जो है 5 के पावर कितना है, 24 दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 5 के पावर 2 × 12, ठीक है, 12 तो 24 हो जाएगा, और 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा, ये 25, और इसके पावर में 12। अब आप बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 81 के पावर 12 हो रहा है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे कि 3 के पावर जो 48 संख्या है वो सबसे बड़ी है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे 3 के पावर 48 था वो सबसे बड़ी संख्या थी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सबसे जो बड़ी संख्या थी कौन सी थी, सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमारा है 3 के पावर 48, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 2 के पावर n + 2 के पावर n - 1 / 2 के पावर n + 1 - 2 के पावर 1, तो इसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं इसको, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा कॉमन निकल सकता है उस कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में 2 के पावर n है और नीचे भी 2 के पावर n है, तो यहाँ पर हम 2 के पावर n कॉमन कर सकते हैं, लेकिन इतना आसानी नहीं है इसको कॉमन करना। तो सबसे पहले इसको कुछ चेंजिंग इसमें करनी होगी, तो चलिए उस चेंजिंग को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको चेंज करना है, ठीक है। देखिए 2 के पावर n को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और 2 के पावर n और बटा में अगर -1 है तो यानी कि -1 जो लगा है ये कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ए के पावर m और जो बटा में ए के पावर n होता है ये क्या होता है, ए के पावर m माइनस n, ये तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि जो माइनस में लगा है वो इसके बटे में होता है, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, जो पावर में जो घटा हुआ है वो नीचे उसका होगा। सेम वही यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 2 के पावर n जो है यहाँ पर +1 है, यानी कि ये जो 2 गुना में होगा, क्योंकि ये भी जो आपने पढ़ा होगा कि ए के पावर m और ए के पावर n तो इस तरह से जब होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ए के पावर m + n, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वही मैंने लिखा है कि 2 के पावर n
यानी कि ए के पावर एम और ए के एन के पावर एन। तो अगर इसको करेंगे तो एम प्लस वन, तो यहाँ पे लिखा गया एन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आ रही है आपको। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि टू के पावर एन। अब यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए ऊपर में आप देख सकते हैं कि टू के पावर एन मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, वन बचा। और यहाँ पर जब टू के पावर वन कॉमन ले लिया, टू के पावर एन कॉमन चला गया, तो ऊपर में बचा वन और नीचे आपका दो का दो सेम टू सेम बचा रहेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर नीचे से भी टू के पावर वन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा टू और यहाँ पे वन। ठीक है, अब देखिए ये आपका ख़त्म हो गया। और आधा और एक और आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी कि डेढ़। यानी कि डेढ़ का मतलब तीन बाई दो, और नीचे आपका वन है तो नीचे वन हो गया तो काम खत्म, वो तो कुछ हो ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थ्री बाई टू। ठीक है, देखिए आपने कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फाइव नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 561 को ए बी सी में बांटना है, जिसमें कि ए को बी से 120 रुपये अधिक मिलता है तथा सी से 120 रुपये कम मिलता है। तो बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि मेरे बनाने से पहले आप क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बी है, ए है, उसको बी से 120 रुपये अधिक मिलता है। मान लेते हैं कि जो बी है उसको 100 रुपये मिल रहा होगा, तभी तो पता चलेगा कि ए को कितना मिल रहा है, ए को जो कि 120 रुपये अधिक मिल रहा है इससे। और आगे बोला जा रहा है कि जो सी है उसको, यहीं पर बोला गया था कि सी से 120 रुपये कम मिलता है। किसको, इसको मिलता है, यानी कि ए को सी से 120 रुपये कम मिलता है, यानी कि सी को 240 रुपये मिला होगा यहाँ पे, तभी तो 120 रुपये से कम हो रहा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए बोला ये गया था कि ए को बी से 120 रुपये अधिक मिल रहा था। तो मान लेते हैं कि बी को 100 रुपये मिला था, तो ए को एक्स प्लस 120 मिला था। ठीक है, आगे बोला था कि सी से ए को 120 रुपये कम मिला था, तो यानी कि जो सी था उसको 240 मिला होगा, तभी तो ए को 120 मिला होगा। ठीक है, अब इन सभी का जो कितने रुपए में बांटना था, तो 561 रुपए में बांटना था, यानी कि तीनों को जोड़ें तो ये 3x प्लस 12 और 24 यानी कि 360 बराबर में कितने रुपये, 561 रुपये को ही बांटने थे। ठीक है, यहाँ से अगर 3x की बात करें तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, तो इधर का हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे दो। ठीक है, अब यहाँ देखिए x की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम इसको घटाएं तो 6 और ये 2 और 7 यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 67। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 67। x की वैल्यू कौन सी है, हमसे क्या पूछा गया था, b, यानी कि b हमारा x है, तो हमारा राइट आंसर भी हो गया 67 रुपया जो होगा b को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देवन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि बोला ये जा रहा है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पहिए का ब्यास जो है वो 7 मीटर है और ये 22 किलोमीटर यात्रा करने में कितने चक्कर लगाएगा। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो संख्या होता है यानी कि चक्कर लगाने की जो संख्या होगी, संख्या बराबर क्या होता है, संख्या को हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी दूरी चली गई हो, दूरी को आप डिवाइड कीजिए किससे, उसके परिधि से, क्योंकि परिधि जो होता है वो वृत्त का एक सर्किल होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो परिधि होता है वो वृत्त का एक सर्किल होता है, और इस सर्किल पे आप जितने चक्कर लगाएंगे वही आपका डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर एक चक्कर लगाते हैं तो आपने एक चक्कर में जितने भी रेडियस के अनुसार, अगर आप परिधि के अनुसार जो भी निकालते हैं उसकी दूरी निकलती है, वो आपका डिस्टेंस होता है। तो अगर आप पूरी डिस्टेंस को यानी कि 22 किलोमीटर को आप डिवाइड कर देंगे उसके परिधि से यानी कि उसके पेरीमीटर से, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने चक्कर लगाए थे। तो यहाँ पर हम लोग वही करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि संख्या बराबर यानी कि n बराबर क्या लिखेंगे, जो कि आपका d डिस्टेंस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिधि 2πr। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रही है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे n तो n छोड़ेंगे, d हमारा कितना दे गया है, 22 किलोमीटर। तो किलोमीटर को सबसे पहले हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, यानी कि 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे 22/7, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, तो मैं यहाँ पे 7 नीचे नहीं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 22/7 होगा तो ये थर्ड जो आपका बटा है वो ऊपर में जाएगा, ऊपर में भेज दिया। और आर जो हमारा दिया गया था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोला गया था कि जो परिधि था, सॉरी पहिए का जो ब्यास है वो 7 मीटर, यानी कि जो डायमीटर था वो ब्यास 7 मीटर दिया था। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2। तो अगर 7/2 यानी कि 7 नीचे और 2 आपका ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यानी कि n की जो वैल्यू आ गई कितनी हो गई,
1000 जब वो चक्कर लगाएगा तो वो 22 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। यानी कि हमसे सेकंड पूछा जा रहा है, यानी कि समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, जो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे में आपका स्पीड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि टाइम समय यानी कि क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल, स्पीड में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जो डिस्टेंस होता है, जो कि ट्रेन की जो लंबाई होती है, वही इसका डिस्टेंस होता है। तो 240 और प्लस में आपका कितना दिया गया था, 240 प्लस में कितना है, 270, यानी कि 270 इन दोनों की डिस्टेंस हो गई। और स्पीड या क्या होता है, यहाँ पर हम लोग स्पीड दो तरीके से करते हैं, यानी कि अगर ट्रेन जब एक दिशा में जा रही हो तो अलग स्पीड हो जाएगा, और ये जब ट्रेन दोनों विपरीत दिशा में जा रही हो, तो विपरीत यानी कि जब ट्रेन एक इधर जा रही हो और एक इधर जा रही हो, तो क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, विपरीत, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हो तो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस, सॉरी दोनों का स्पीड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड एक दिया गया था 60 और दूसरा स्पीड था कितना, दूसरा स्पीड था 48। ठीक है, और हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो आप देख सकते हैं ऊपर में मीटर था, यानी कि इतना दोनों का जो डिस्टेंस था वो मीटर में था, और नीचे जो आपका स्पीड है वो किलोमीटर पर घंटा में है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता होगा कि 5/18 से डिवाइड, यानी कि 5/18 से गुना किया था, सॉरी गुना किया था, तो मैं यहाँ पे गुना करूँगा 5/18, तो नीचे 18 जाएगा, लेकिन इसको मैं ऊपर में कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि एक स्टेप मैं आपको ऊपर में डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना आपको समझ में आ गई, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से देखिए 270 और आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 7, 4, 11 और 2, 2, 4, 1, 5। ठीक है, 510 और नीचे आपका कितना हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 8, 10, 108। ठीक है, और 5 गुने ऊपर में आपका 18, 18 से इसको कटाएंगे तो ये 6 बार में कटेगा, और इसको अगर 5 से हम कटाएंगे तो ये 5 × 10 यानी कि 51 × 2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर इसको 3 कटाएं तो आप देख सकते हैं कि ये 17, यानी कि टोटल अगर बात करें तो ये कितना जाएगा, 17 बार में, यानी कि 17 सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे हम लोग को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस पूछा ये जा रहा है कि धारा की गति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि जब नाव, यानी कि जब नाव धारा के दिशा में चलती है तो आपने आपने जरूर पढ़ा होगा कि x+y, ठीक है, यानी कि ये नाव की चाल और सॉरी ये नाव की चाल और ये धारा की चाल, तो दोनों एक ही जब दिशा में जाती है तो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो धारा की दिशा में जो बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति की 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, 1 किलोमीटर कितने समय में, तो वो 10 मिनट में कवर करता है, लेकिन हमें किलोमीटर पर घंटा में चाहिए। तो अगर इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 60 नीचे लिखता तो ये कहाँ जाता, ऊपर में चला जाता, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऊपर में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। अब सेम बोला जा रहा है कि अगर वो विपरीत दिशा में चले तो वही दूरी उसको 30 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही करेंगे, तो 30 × 60 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि धारा की गति, तो धारा की गति आपने पढ़ा हुआ कि धारा की जब चाल निकालते हैं, धारा का चाल निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 और x-y, यही तो होता है। तो यहाँ पे आपका जो निकला, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 जो दोनों का चाल का डिफरेंस कितना होगा, 6 में से 4 गया, तो 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पे 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका धारा के चाल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, जैसे कि सबसे पहले वृद्धि की बात की जाए तो 10% वृद्धि करेंगे और उसके बाद 10% कमी की जा रही है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे कौन सा साइन होगा। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लिखा था, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे आप दोनों का गुना में लिखेंगे, यानी कि दो भी जो भी हम लोगों ने परिवर्तन और कमी किया था
वृद्धि कमी उसका मल्टीप्लीकेशन और नीचे आपका 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ खत्म हो गया ऊपर में नीचे, तो ये आपका कितना हो गया, ये तो आपका 0 हो गया है, और वन का जो मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 1, यानी कि माइनस में वैल्यू आ रहा है, तो माइनस कितना, माइनस 1, अगर माइनस में वैल्यू है तो यानी कि 1% की कमी हो जाएगी, अगर यही वैल्यू प्लस में आता तो 1% की वृद्धि होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला क्या बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दी गई है वो 2√3 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमसे ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बोलेंगे, सबसे पहले आप इसको फिगर से आप समझिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मान लीजिए कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है, और इसकी जो भुजा दी गई है वो 2√3 दी गई है, यानी कि सभी तरफ से 2√3 है। तो अगर हम इसको, हमसे ऊंचाई पूछा रहा है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऊंचाई मानते हैं तो ये हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगा, और ये आपका आधार और ये आपका लंब, तो हमें लंब निकालना है जो कि कर्ण दी गई है, और अगर इसको हम लोग आधा आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, आधा आधा अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों का अगर आधा, ये आधा हो जाएगा, ये आधा होगा टोटल का, तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 2√3 जब आधा यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2√3 है, तो यहाँ पर यानी कि ये जो पोर्शन हो गया वो 3√ हो गया, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये 3√ हो गया, तभी तो दो मिलकर 2√3 होंगे। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जब ये कर्ण आपका दिया गया, चलिए यहाँ पे मैं कर बताता हूँ, ये कर्ण, तो हमारा जो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि लंब जो निकालना है, तो अगर इसका स्क्वायर करके, अगर इसका स्क्वायर से घटाएं, यानी कि दोनों के स्क्वायर अगर हम घटाएं तो हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। यही ना होता है कर्ण स्क्वायर, जो आपने पढ़ा होगा कि जो थर्ड भुजा होती है उस दोनों के भुजाओं के योग के बराबर होती है, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 × 4 और 4 अगर 3, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे 3 करेंगे तो ये सिर्फ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 9, और एच का जो वैल्यू होगा 9, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो एच की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि समझ में आ गई होगी आपको। देखिए इस क्वेश्चन को आपको हमेशा इसी तरह से सॉल्व करना हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और ये हम लोग का जो सीरीज चल रहा है मैं आपको कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोग की मैथ की जो प्रिपरेशन हो आपको अच्छे से हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।